और अब रुख करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में निर्माण कार्यों और प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन लोकार्पण किया। अकेले भोपाल में ही दो स्थानों पर भूमि पूजन लोकार्पण के कार्यक्रम रखे गए। इन दोनों कार्यक्रमों में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में रसोई गैस सिलेंडर की राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की। वहीं आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले रविंद्र भवन में प्रदेशव्यापी लोकार्पण भूमि पूजन का मेगा इवेंट किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के सभी बाकी बचे लोकार्पण भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान गुफा मंदिर भी पहुंचे और मानस भवन का भूमि पूजन किया। मानस भवन 35 करोड़ की लागत से बनेगा, साथ ही 566 करोड़ के विकास कामों का तोहफा भी दिया गया। सीएम शिवराज ने इस मौके पर भोपाल में गुफा लोक बनाने का ऐलान किया। वहीं एक दूसरे कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहनों के खातों में गैस रिफिल योजना की 2019 करोड़ की राशि का ट्रांसफर किया। न राह चलते हुए लोगों की फिक्र, न ही अपनी खुद की जान की परवाह। ये तस्वीरें महाकाल की नगरी उज्जैन से देखने को मिली, जहां एक ई रिक्शा चालक ने 20 सड़क पर स्टंट दिखाए। आपने अक्सर मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर से लेकर तमाम लोगों को स्टंट करते हुए देखा होगा, लेकिन उज्जैन के हरिफाटक ब्रिज पर महाकाल की ओर जाने वाले मार्ग पर एक ई रिक्शा चालक अपने ई रिक्शा के साथ स्टंट करता नजर आया। ई रिक्शा चालक को ऐसे स्टंट दिखाते देख कर सारे लोग दंग रह गए। आज तक ऐसा कारनामा सिर्फ सोशल मीडिया पर देखने को मिलता था, पर जब ये लाइव देखा तो वाहनों पर सवार लोगों के होश उड़ गए। वहीं पीछे चल रही ई रिक्शा में बैठे एक व्यक्ति ने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस से जब बात करने की कोशिश की गई तो उनका यही कहना है कि यदि ई रिक्शा चालक के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अस्पतालों में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या इस बात की तस्दीक करती है कि डेंगू किस तरह से प्रदेश के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। लगातार मौसम में बदलाव होने के कारण मौसमी बीमारियों ने डेरा जमा लिया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इन दिनों डेंगू के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब हाल ही में शहर में डेंगू के 34 नए मामले सामने आने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। शहर के जयारोग्य जिला अस्पताल में 166 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 8 साल के बच्चे समेत 34 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। पूरे इलाके की बात करें तो डेंगू का आंकड़ा बढ़कर 337 तक पहुंच गया है। आम लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। रोजाना मरीज मिलने से स्वास्थ्य अमला अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा डेंगू के मच्छर को मारने के लिए शहर में केमिकल का छिड़काव भी किया जा रहा है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में इन दिनों घूमने जाने वाले पर्यटकों को एक से बढ़कर एक दुर्लभ नजारे देखने को मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले एक बाघ हिरण का शिकार कर लोगों के सामने से उसे मुंह में लेकर निकला था, वहीं अब एक बार फिर पर्यटकों को आश्चर्य करने वाला नजारा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि पर्यटकों के सामने सोन कुत्तों ने एक चीतल का शिकार किया, वहीं पेंच प्रबंधन ने इस घटना की आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है। आपको बता दें कि अमूमन इस तरह के दुर्लभ नजारे जंगल क्षेत्र में संयोग से देखने को मिलते हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि झुंड से अलग हुए चीतल पर सोन कुत्तों के एक झुंड ने हमला कर दिया और चीतल उन कुत्तों से बचने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है और फिर सोन कुत्ते चीतल को शिकार करने में सफल हो जाते हैं। पर्यटक ये नजारा देखकर रोमांचित हो गए। पर्यटकों ने शिकार की घटना का वीडियो बना लिया और पर्यटकों द्वारा बनाया गया ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। शराब बंद हो इसे लेकर वादे तो कई सारे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ खास नहीं होता। शराबियों के कारण लोगों को कितनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी रहती है। अब बलौदा बाजार में अवैध शराब की बिक्री को लेकर महिलाएं खुद सड़कों पर उतर आई हैं। बलौदा बाजार में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए महिलाओं ने सिमगा थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि चोरहा नवगवां इलाके में बीते कई सालों से अवैध तरीके से शराब की बिक्री चोरी छिपे की जा रही है।
इसके चलते आए दिन घरों से बहू बेटियों का निकलना मुश्किल हो गया है। तो वहीं गांव में शराब पीकर आए दिन शोहदे हंगामा करते हैं, जिससे बच्चों का भविष्य खराब होने का डर गांव वालों को सताने लगा है। गांव के लोगों और महिलाओं के इस प्रदर्शन पर अब क्या एक्शन लिया जाता है वो आने वाला वक्त बताएगा। हर रोज की तरह ही सड़क पर लोग आना जाना कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। तभी अचानक से सड़क पर 45 हाथियों का झुंड एकदम से सामने आ गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक हाथियों ने आधी सड़क पर अपना कब्जा कर लिया था। ये तस्वीरें कोरबा के कटघोरा की हैं। यहाँ पर हाईवे रोड पर जब 45 हाथियों से लोगों का सामना हुआ तो हर किसी की सांस एक पल के लिए थम गई। हाथियों को देखकर लोगों ने अपनी गाड़ियों को एक साइड लगा लिया। 45 हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर हाईवे पर पहुंच गया, जिससे हाईवे पर भगदड़ मच गई। हाईवे से गुजर रहे गाड़ी वालों ने सड़क के दोनों तरफ गाड़ी खड़ी कर हाथियों के झुंड के निकलने का इंतजार किया, लेकिन हाथियों का झुंड काफी देर तक हाईवे पर जमा रहा। इसके चलते हाईवे पूरी तरह से आधे घंटे के लिए बंद हो गया। बाद में हाथियों का झुंड वहां से हटा, तब कहीं जाकर गाड़ियां वहां से गुजर सकीं। आपको बता दें, प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों हाथियों का मूवमेंट देखा जा रहा है, जिससे आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। क्या आपने कभी लोगों के आगे पुलिस को कमजोर पड़ते देखा है? शायद नहीं, पर राजनांदगांव में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जो वाकई हैरान करने वाला है। पूरा मामला एक युवक की गिरफ्तारी से शुरू हुआ और खत्म हुआ उसकी रिहाई पर। दरअसल राजनांदगांव के घोरदा गांव में एक युवक की गिरफ्तारी से नाराज ग्रामीणों ने लालबाग थाने का घेराव कर दिया। नाराज ग्रामीणों का गुस्सा देखकर पुलिस ने पहले तो युवक को छोड़ने से मना कर दिया, लेकिन जब बात बढ़ने लगी, बिगड़ने लगी, तो पुलिस लोगों के आगे बेबस हो गई। ग्रामीण थाने के बाहर धरने पर बैठ गए, तब पुलिस ने जिस युवक को गिरफ्तार किया था उसे मुचलके पर छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस का आरोप है कि युवक पर आपराधिक मामला दर्ज है और इसीलिए उसे अरेस्ट किया गया है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि युवक पर पुलिस ने झूठे आरोप लगाए हैं, उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल जारी है। ये नजारा देखकर आपको ये लग रहा होगा कि ये किसी जंगल का है, तो आप यहाँ गलत हैं, क्योंकि ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के महासमुंद के पिथौरा वन परिक्षेत्र की हैं। यहाँ पर एक हाथी सड़कों पर घूमता हुआ नजर आया। जिस सड़क पर पहले लोगों की चहलकदमी हुआ करती थी, वहां हाथी के डेरा डाल लेने के बाद अब लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। पिथौरा वन परिक्षेत्र से हाथियों के रिहायशी इलाके में घुसने की घटनाएं लगातार जारी हैं। कभी हाथी किसी फसल को नुकसान पहुंचाता है तो कभी किसी रहवासी के घर को। गांव में हाथियों के आने से जहां लोग डरे सहमे हैं और अपने ही घरों से निकलने से डर रहे हैं, वहीं वन विभाग की नाकामी के चलते लोगों का गुस्सा अब वन विभाग पर फूटने लगा है। तस्वीरें खैरखोटा गांव की हैं, जहां पिथौरा वन परिक्षेत्र से निकला यह हाथी गांव की गलियों में दौड़ रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने जरूर लोगों को हिदायत दी है कि वो हाथी से दूर रहें, लेकिन हाथी आए दिन गांव में आकर तबाही का सबब बन रहे हैं। दावे और हकीकत में कितना अंतर होता है वो बताने के लिए कोरिया जिले के ग्राम पंचायत बसेर का ये स्कूल काफी है। दावा ये किया जाता है कि सरकारी स्कूलों की दशा को सुधारा जाएगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल की सौगातें प्रदेश को दी जाएंगी, पर सच ये है कि गांव के बच्चों की फिक्र शायद किसी को नहीं है। इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ पर स्कूल है पर शिक्षक नहीं, पढ़ने के लिए बच्चे भी हैं पर शिक्षक नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर शिक्षक गए कहाँ? ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों के खुलने का समय सुबह 10 बजे का है, लेकिन स्कूल 11 बजे के बाद खोले जा रहे हैं। यही कारण है कि गांव में शिक्षकों की लापरवाही के कारण एक तरफ जहां पढ़ाई व्यवस्था ठप होने से पालक अपने बच्चों को निजी स्कूल में पहुंचा रहे हैं, वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं। कोरिया जिले की ग्राम पंचायत बसेर में प्रधान अध्यापक और स्कूल के स्टाफ के आपसी तालमेल की वजह से शिक्षक कई दिन स्कूल खोलते ही नहीं। स्कूल खुलता भी है तो शिक्षक 11-12 बजे के बाद ही पहुंचते हैं। वहीं समय से पहले ही स्कूल बंद कर बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है, उन्हें घर भेज दिया जाता है, यह स्कूल बच्चों के सहारे खुला छोड़कर शिक्षक स्कूल से चले जाते हैं। ऐसा सालों से चला आ रहा है। शिकायत कई बार सरपंच व अधिकारियों से की गई, पर समस्या का समाधान नहीं निकला, जिस कारण अब लोग स्कूल जाना छोड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे कैसे पढ़ेगा इंडिया? छह
छत से पानी टप टप करके टपक रहा है, पर मजबूरी ऐसी कि इसी बदहाली के साथ यहाँ काम करना है। अगर ये तस्वीर किसी गरीब के घर की हो या फिर किसी स्कूल की होती तो एक बार समझा जा सकता था, क्योंकि ऐसी तस्वीरें दिखना गरीबों के घर में आम है। पर आपको बता दें कि आवास योजना के दफ्तर का हाल है। जी हाँ, इसी दफ्तर में बैठकर गरीबों को आशियाना मुहैया कराने वाले कर्मचारी अधिकारी बैठते हैं। पेंड्रा में आवास योजना के दफ्तर का हाल ऐसा है कि अफसर यहाँ पर टपकती छत के नीचे ड्यूटी करने के लिए मजबूर हैं। कमजोर छत होने के चलते बारिश का पानी छत से टपक कर सीधे दफ्तर में पहुंच रहा है। अफसर कभी अपनी कुर्सी इधर खसकाते हैं, कभी उधर, ताकि वो अपने आप को बारिश के पानी से बचा पाएं। सोचिए जरा, गरीबों को आवास दिलाने वाले जिस दफ्तर का ये हाल है, तो योजना के लाभार्थियों के घरों के क्या हाल होंगे। आपको बता दें, स्वच्छ भारत मिशन के दफ्तर का भी यही हाल है। दफ्तर के भीतर और बाहर दोनों जगह पानी जमा होने से कर्मचारी परेशान होते रहते हैं। अब देखना यह होगा कि इस दफ्तर के हाल कब तक सुधरते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बल के जवानों ने 5 किलो के 2 जिंदा IED बरामद किए, जिसे CRPF की BDS टीम ने मौके पर ही सुरक्षित नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि माओवादियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इस इलाके में 5 किलो का IED प्लांट करके रखा था। आपको बता दें, आमतौर पर सर्चिंग पर निकले सुरक्षा बलों के जवानों को टारगेट करने के लिए माओवादियों द्वारा इस तरह के बारूदी जाल बिछाए जाते हैं। जानकारी के मुताबिक DRG CRPF 50वीं वाहिनी और कोरबा 202 बटालियन की संयुक्त टीम रविवार को सर्चिंग पर निकली थी। इस मार्ग के किनारे गश्त करते जवानों ने तार देखा, इसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए इसे सावधानी पूर्वक निकाला। सुरक्षा बलों ने सूझबूझ और सतर्कता पूर्वक IED को सुरक्षित तरीके से मौके पर ही डिफ्यूज किया। इस तरह एक बड़ा हादसा होते होते टला। प्रदेश सरकार जनता जनार्दन को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लाख दावे कर ले, पर पलीता अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर लगा रहे हैं। सरकार के दावों की पोल खोलती तस्वीर बालाघाट में देखने को मिली, जब जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने वारा सिवनी के सिविल अस्पताल का सुबह सुबह OPD समय में आकस्मिक निरीक्षण किया, जहाँ पर उन्हें चिकित्सालय में पदस्थ सभी 8 डॉक्टर और लैब कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इसके बाद सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जब स्वास्थ्य अधिकारी ने इसके बारे में जानकारी ली तो पता चला OPD खुलने का समय सुबह 9 बजे का है, लेकिन डॉक्टर्स कभी भी OPD में समय पर नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में इलाज कराने अस्पताल पहुंचे मरीजों को बेवजह घंटों डॉक्टर्स का इंतजार करते परेशान होना पड़ता है। स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि ड्यूटी से नदारद सभी डॉक्टर्स को उनके द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाएगा। यदि जवाब संतोषप्रद नहीं रहा तो इन डॉक्टर्स का 1 दिन का वेतन काटने की कार्यवाही कर अनुपस्थित डॉक्टर्स की सूचना मुख्यालय भोपाल में आगामी कार्यवाही के लिए भेजी जाएगी। बलरामपुर जिला मुख्यालय होकर गुजरने वाली NH 343 की सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। वहीं गड्ढे में बरसात के पानी भर जाने की वजह से सड़क हादसे भी हो रहे हैं। छोटे बड़े वाहन चालकों के साथ साथ राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बलरामपुर मुख्यालय से होकर गुजरने वाली NH 343 की ये सड़क बदहाल हो चुकी है। बलरामपुर कलेक्टर बंगला से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक सड़क पूरी गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से प्रतिदिन वाहन चालकों के साथ साथ राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गड्ढे में बरसात का पानी भरे होने की वजह से लोग हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। इसी सड़क से प्रतिदिन जिले के कलेक्टर और जिले के तमाम बड़े अधिकारी कर्मचारी होकर गुजरते हैं, लेकिन इस और किसी का कोई ध्यान नहीं जाता। वहीं इस पर जब बलरामपुर कलेक्टर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बरसात की वजह से सड़क खराब हुई है और बरसात खुलते ही सड़क की मरम्मतीकरण का कार्य किया जाएगा। डेंगू के मामले देश भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन के साथ नए मिलने वाले मरीजों के आंकड़े में भी इजाफा हो रहा है। बात करें अगर बिलासपुर की तो जिले में अब तक डेंगू के 280 से ज्यादा सस्पेक्टेड केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 74 मरीजों में अब तक डेंगू के लक्षणों की पहचान हुई है। लगातार डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते स्वास्थ्य विभाग जहां अलर्ट पर है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।
वहीं नगर निगम की लापरवाही और गंदगी के चलते डेंगू के केसेस की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो लोगों के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों के आसपास गंदगी जमा नहीं होने दें, साथ ही मच्छरों से बचाव का सही इंतजाम भी करें। आपने कई स्कूल देखे होंगे, लेकिन क्या आपने ऐसा स्कूल देखा है जिसमें बच्चे अपनी शिक्षा वेद पुराणों से ले रहे हों और वह भी बिल्कुल मुफ्त? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जौरा जनपद में संचालित वैदिक संस्कृति पाठशाला की, जिसमें बच्चे प्रतिदिन निशुल्क वैदिक संस्कृत पाठशाला में वेद, ज्योतिष शास्त्र, उपनिषद, सांख्या शास्त्र, शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा ले रहे हैं। बता दें कि यह बच्चे प्रतिदिन प्रातः काल जल्दी उठकर नित्य कर्म के बाद योग करके नहाते हैं, बाद में यह भगवान की पूजा अर्चना में लग जाते हैं, जिसके बाद इनकी वैदिक पाठशाला शुरू हो जाती है। इन बच्चों को सभी प्रकार के पाठ जैसे कि गणेश पाठ, महादेव पाठ, दुर्गा पाठ सभी सिखाए जाते हैं। आसपास के कई लोग इस प्रकार की शिक्षा में रुचि ले रहे हैं और यहां निरंतर पाठशाला संचालित है। इस प्रकार की पाठशाला जिले में पहली बार संचालित की जा रही है जहां वैदिक पाठशाला चलती हो। इसका नाम मनसापूर्ण महादेव वैदिक संस्कृति पाठशाला है। इसका शुभारंभ सुप्रीम कोर्ट के जज जेके माहेश्वरी ने किया है। बता दें कि यह बच्चे अपना घर बार छोड़कर गुरुकुल में ही रहते हैं और यही अपना अध्ययन कर कार्य जैसे पढ़ाई लिखाई, सामाजिक धर्म का पाठ करते हैं और वैदिक ज्ञान ले रहे हैं। इसके अलावा स्कूल भी जाते हैं। बाराबंकी के एक सरकारी विद्यालय में लंच टाइम के दौरान अद्भुत क्लास चलती है, जिसमें बच्चों को नहीं बल्कि गांव की निरक्षर महिलाओं को और पुरुषों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। यहाँ स्कूल के शिक्षकों के प्रयासों का असर बच्चों के साथ ही गांव के बड़ों पर भी पड़ा है। शिक्षकों ने अंगूठा से अक्षर नाम से एक अभियान शुरू किया। शिक्षकों के इस अभियान का मकसद छात्रों के अशिक्षित अभिभावकों को पढ़ने और लिखने के तरीके सिखाने और बाकी ग्रामीणों को भी प्रोत्साहित करना था। इस अभियान को स्कूल समय के बाद या लंच ब्रेक के दौरान चलाए जाने लगा। धीरे धीरे शिक्षकों का यह प्रयास जब सफल होने लगा तो फिर क्या था, उनकी इस पहल से गांव के बाकी लोग भी जुड़ने लगे और आज गांव की अच्छी खासी संख्या साक्षर बन चुकी है। अंगूठे से अक्षर नाम का यह अभियान बाराबंकी जिले में सिरौली गौसपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय गहरेला में चल रहा है। अभियान के तहत लग रही कक्षाओं में गांव के महिला और पुरुष कॉपी कलम लेकर अक्षरों का ज्ञान ले रहे हैं। इसमें कोई 30 तो कोई 50 वर्ष का है। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में पहली बार अपने हाथों में कलम पकड़ी है, मगर साक्षर होने की ललक सभी में साफ देखी जा सकती है। शिक्षकों द्वारा दी गई कॉपी और पेन को सभी ने सहेजा और पढ़ाई शुरू की। नवादा में लगातार हो रही बारिश से हर तरफ जलजमाव की स्थिति हो गई है। जिले के रोह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पूरा अस्पताल परिसर पानी में डूब चुका है। यही नहीं, नाले का गंदा पानी भी अस्पताल में घुसने लगा है, जिसकी वजह से अस्पताल में इलाज कराने आए लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बारिश में बदहाल स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीर कोई नई नहीं। पिछले कई सालों से बारिश में अस्पताल का यही हाल हो जाता है, पर आज तक अस्पताल प्रबंधन की तरफ से इसका निदान करने की पहल तक नहीं की गई, जिससे गंदे पानी में चलकर इलाज करने पहुंच रहे लोगों में काफी आक्रोश है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। लोग अपने अपने तरीके से देश को साफ सुथरा बनाने में योगदान दे रहे हैं। शेखपुरा में शेखोपुर सराय प्रखंड को नीति आयोग ने आकांक्षी प्रखंड में शामिल किया है, जिसके बाद स्कूली बच्चों ने स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली और आम लोगों से अपने घर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की अपील की। ये रैली पांची मिडिल स्कूल के बच्चों ने निकाली। रैली में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और स्वच्छता को लेकर नारे लगाते हुए लोगों को जागरूक किया। स्कूल से निकाली गई